जय गुरु जी। गुरु गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस संगत जुड़ी हुई है मल्टी लिंगुअल प्लेटफॉर्म पे, उनको मेरा नमन। गुरु जी का आज आदेश हुआ कि उनका सत्संग करें। आई फील सो ब्लेस्ड कि आई फील ब्लेस्ड कि हाँ मौका मिला गुरु जी का। हमेशा कहते थे गुरु जी सत्संग कर, एक दो तीन बार कर भी लिया हो तो आपको रिपीट करने में देर नो हार्म। इसमें सुनने वाला का भी कल्याण होता है, करने वाला का भी कल्याण होता है। जी का से हम जुड़े 2002 से जुड़े हैं, 2 या 3 से नहीं, 2 के एंड में गुरु से जुड़े। तो हम आई यूज टू स्टे इन सरदार पटेल मार्ग, मैं हेल्पिंग डिफेंस इन एयरफोर्स। तो वी वर स्टेइंग इन एसपी मार्ग एंड फ्रॉम देयर आई यूज टू कम टू विद माय अंकल। ही इज द वन हु कनेक्टेड मी टू गुरु जी। बट फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं लगा था कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और गुरु जी लेडीज पैर दबा रही है, कंधा दबा रही है। तो आई वाज बीइंग साइंटिफिक आई लिटिल ना, नेक्स्ट टाइम आई वाज लिटिल स्केप्टिकल टू गो कि क्या कैसे जाए क्या करें। बट गुरु जी का तो क्या महिमा गाना क्या करना। वो उनका तो है कि जब उनको पता नहीं इस जन्म में किया है, पिछले कई जन्मों का रिकॉर्ड है, एक क्यूमुलेटिव फल है जो हमारी भक्ति पूरी हुई है। गुरु जी ने लिटिल पुल्ड मी फ्रॉम माई हाउस देन फेयरली गुड 6 मंथ। अब तो बहुत रिग्रेट करते हैं, फेयरली गुड 6 और 8 मंथ आई डिडंट गो टू गुरु जी। तो एंड देन माय हस्बैंड वाज पोस्टेड टू बैंगलोर एंड वी हैड टू शिफ्ट टू गुड़गांव। गुरु जी को सब पता रहता है कि कौन कैसे आएगा, कहाँ घर है इसका, क्या है, कितना बैंक बना, सब कुछ पता रहता है। तो हमें इनिशियली जब जुड़े थे इतना कुछ बिलीव हुआ नहीं था। तो हम शिफ्टेड टू गुड़गांव एंड माई डॉटर वॉज इन डूइंग कॉलेज इन गुड़गांव। तो ही वाज नॉट शी वाज नॉट लाइकिंग द कॉलेज, शी स्टॉप गोइंग टू द कॉलेज। देन आई गॉट ग्रेडिट देन। हम जलवाई टावर में रहते हैं ना, कमांडर शर्मा अंकल वाले या तो उसके बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। तो देर इज वन फ्रेंड ऑफ माइंड, आई वाज लिटरली ना घर के कपड़ों में मैं नीचे पर तो मेडिसिन लेने के लिए उतरी, सम डेस्क पे समथिंग लाइक दैट, केमिस्ट्री शॉप है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड शी वॉज गोइंग टू गुरु जी एंड शी लिटरली पुल्ड मी बाई हैंड एंड मेड मी सिट इन हर कार। हमने तुम हाईजेक करके कहाँ ले जा रहे हो? तो गुरु जी किस तरह से, किसके द्वारा, किसके थ्रू आपको खींचना है कि गुरु जी को था कि मतलब ब्लेस करना हो, ये तो इफ्स एंड बट्स में लगी हुई है, इसको कैसे खींचो। तो आंटी ने कहा कि यार वहां थोड़ी देर हो जाती है, तुम घर पे फोन कर लो, लेट हो जाएगा। हमने गेट से सिक्योरिटी गार्ड के वहां से फोन किया गेट से, डॉक्टर के फिर हम हमारे डॉक्टर ही जा रहे थे वहां अकेले, हस्बैंड के बैंगलोर में पूछ रहे थे यहाँ। तो बेटा हम लेट हो जाएंगे थोड़ा, तुम अपना डिनर ने करके पढ़ाई वढ़ाई करके सुन लेना, जो भी करना करना। तो रास्ते में हमने तुम कहाँ लेके जा रहे थे, हमने बहुत पहुंचे वो गुरु आए फाइव स्टेट में। अरे हमने वहां पर मैं आ चुकी हूँ, देन आई वाज इन दिल्ली है, मैं तो वहां से आ चुकी हूँ। तो कहते हैं बहुत पहुंचे वो गुरु हैं तो वो ले चलते हैं। हम तो घर के कपड़े में गुरु जी सो यूज्ड टू बी सो वेल ड्रेस्ड एंड बहुत ही स्टाइलिश थे वो, बहुत अच्छे साफ सुथरे एकदम चमकते रहते थे एकदम टॉप टू टॉप टू बॉटम, बिल्कुल जूती से लेके हर चीज बिल्कुल शाइनिंग। बहुत बाद में पता लगा कि डिवाइन और आइज ऑलवेज ट्रैवल विद हिम। सो मैं तो हम घर के कपड़े थे, आई फील सो आई वाज फीलिंग सो शेम कि कैसे जाएंगे गुरु जी के पास। मैंने जाना तो था ही, बाथरूम स्लीपर में ही थे मतलब घर के चप्पलों में, तो चप्पल तक बाहर ही निकल जाती थी। गए अंदर और बैठे गुरु जी के पास, चरणों के पास ही हम बैठते थे हमेशा। मेनका गांधी और वही फिर हम बैठे मुरली मनोहर जोशी की डॉक्टर ही आमने सामने बैठे थे उस टाइम। मुरली मनोहर जोशी में बैठे अपना
मजदूरी में सब पता ही रहता है, वो खींचाई था हमको घर से कि ब्रश करना या मेरा टाइम आ गया कुछ। गुरुजी हमेशा कहते कई आंटी लोगों को तो गुरुजी बोल दे जाते हैं टाइम नहीं, अभी मुड़के ना देखी आई ना दोबारा आई ना मुड़के ना देखी। तो जिसको टाइम नहीं है तो उसको तो लिटरली गुरु जी विल बी शू शू देम ऑफ, बिल्कुल नहीं बैठने देते सरकार में। तो जब बच्चे शब्द थे बहुत अच्छे चलते ही थे, गुरु जी के पैर सफा होते थे, डीजे अंकल आपको चलाते थे, गुरु जी इशारा करते थे कौन सा कब चलाना, तो डीजे अंकल उनका रीजन इशारा समझते थे कि गुरु जी क्या कह रहे हैं। शब्द खत्म में लंगर सर्व हुआ, लंगर करके बाहर वो हाथ धोने के लिए जाते थे, मेरा दिमाग में मारे आया कि नहीं अभी क्या कहते हैं, हम तो घर के कपड़े दूर से गुरु जी को नमस्ते करके निकल जाएंगे, मतलब उनके चरण स्पर्श करने मैं नहीं जाऊंगी। तो जैसे ही वो थोड़ा सा है ना सीढ़ी के पास स्पेस, वहां से हमने गुरु जी को झाका, नमस्ते किया, चल नमस्ते करके जैसे ही जाने दे गुरु जी, मतलब सो हम्बल सबके पार, हम लोग तो कुछ भी नहीं है बस जस्ट पैक ऑफ डस्ट इन दिस यूनिवर्स, इतना समझते हैं, इतना हम लोगों का घमंड, इतना ये होता है कि वो तो एक ब्रह्मांड के मालिक, वो अपनी चेयर से उठ के लिटरली ना वो 2 स्टेप चले 5 स्टेप वहां आके खड़े हुए, और सिंगल अंकल के आंटी यहीं पे गुरु जी चरण स्पर्श करो, सो माइंड वही पे चरण स्पर्श किया उसने बस। आई वाज फीलिंग अशेम्ड ऑफ माय सेल्फ, क्या क्या गुरु जी सोचते हैं, गुरु जी तो मन पढ़ लेते थे दिल में आपके क्या चल रहा है, हर चीज A to Z आपके घर में क्या है क्या नहीं है, आपके हस्बैंड का रिलेशन कैसा है, बच्चे कैसे हैं, बैंक बैलेंस कितना है, घर बना है, एक एक मोमेंट का उनको उनका अवेयर ऑफ यू गुंडे नेक्स्ट। गुरु जी हमेशा कहते थे कि तुम लोग तख का काबिल हो, नथिंग इज को इंसिडेंट एवरीथिंग इज प्लान, इससे आपको कब मिलना है कब बिछड़ना है, फिर सेकंड कोई बंदा आपका फ्रेंड बनेगा वो बिछड़ेगा, ये सब गुरु जी की सब प्लानिंग चलती है। फिर आप कनेक्टेड गए गुरु जी, इफ्स एंड बट्स वालों को तो क्या गुरु जी इतना ज्यादा वो नहीं दे करते। तो उस दिन आई सो मतलब अपने को शर्म भी आ रही थी, सो इम्प्रेस गुरु जी इतना इतने हम्बल है आके उनको चरण स्पर्श, उस टाइम भी अकल नहीं थी बेवकूफ थे थोड़े, तो उस टाइम भी इतना नहीं समझ पाया क्योंकि हमारे वो शायद सेकंड सेकंड मीटिंग थी, थर्ड थर्ड एंड सेकंड मीटिंग थी। तो उस दिन के बाद तो हमें लगा कि गुरु जी हमें कैन रीड माई माइंड, व्हाट्स गोइंग गोइंग इन माई माइंड, व्हाट गोइंग इन माई हार्ट। तो गुरु जी हमेशा कहते लॉकेट्स वगैरह तो उस टाइम देते थे ब्लेस करके, तो आंटी लोग मतलब कॉम्पिटिशन में रहती थी, मुझे लॉकेट नहीं मिला कहीं नाराज हो जाती नहीं, कई बार 3 दे देते थे किसी को, देते ही नहीं थे इग्नोर कर देते थे, क्या लॉकेट है पीछे तुम लोग क्या भाग कर रहे थे, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ, बाहर ही दिखावा में क्यों रहता हूँ, तो दिल साफ करो पहले। तो लिटरली कौन भग दिल में कौन रहता, भगवान के अलावा कौन दिल में आकर रहता, कोई नहीं। तो ये सब बातें बहुत 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 देर में समझ में आई, अब तो खैर गुरु जी का तो आई मीन याद तो बहुत आती है लेकिन कर कुछ नहीं सकते, उनके जो आदेश है उस पर हम चल चल सकते हैं। तो उस दिन के बाद रेगुलरली आई स्टार्टेड गोइंग टू एम्पायर स्टेट, हमारे लिए कोई डेट सो लकी पता नहीं, हमारे बहुत ज्यादा काई जमी थी बैठ कर मुखी गुरु जी, कोई डे हमारे डिसाइड नहीं किया था, हम हमने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 दिन आई, अभी वकीन आई थी, तो वहां पे हमारा कुछ होता था 5 बजे हमारा 5:30 काम खत्म हो जाता, 6 बजे हम एम्पायर स्टेट पर होते थे। देन दैट टाइम गुरु जी वो यूज टू सिट ऑन द चेस बोर्ड किचन के पास, अपने नाइटी के शूज पैंट शर्ट में रहते थे, बैठ के हम गुरु जी से मतलब कभी बात कर लेते थे तो डांट टूट जाती थी, फिर बैठ जाते थे फिर कुछ डांट कभी कुछ पूछते, नहीं गुरु जी आप डांटते बहुत हो, ज्यादा ज्यादा बहस ना करा करें, हमको डॉक्टर नहीं बुलाते थे, ज्यादा बहस ना करा करें, चुप चुप करते बैठ, हमने इतनी बैठेंगे आपने जो जो हमने पूछा तो जवाब दीजिए, तो कभी जवाब देते तो कभी नहीं चुप हो जाते, हंसते रहे, तो हम तो काफी उनसे मतलब झगड़ा भी कर लेते थे और मतलब उनकी बात मानते ज्यादा नहीं थे, वो जो कहते थे खास नहीं करते थे, उतने बैठते उतने नहीं बैठते थे, उनके पास ही बैठे रहते थे। तो खैर आपको तो लगता है कि
अकल कम थी। हाँ तो एक बार ऐसे ही गुरुजी चरण छू रहे थे ना, तो तो एक सत्संग सुना चुके थे जो हम रिपीटिंग है, कैसे हम आई गॉट कनेक्टेड विद गुरु जी विद फुल फुल हार्ट एंड विद मतलब सोल, यू कैन से किस तरह से आत्मा से कनेक्शन मिलता है। हमारे बाबा से बात कभी हमारा वो कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, आज भी याद करते हैं हमेशा। यूएस में थे तो हमेशा सपने में आते हैं, दिमाग भी देते हैं। एक बार ऐसे गुरु जी एक बार पूछा उन्होंने कि ना तेरा, मतलब पहली बार जब बात करी जब तो उन्होंने पूछा हमने गुरु जी बिना की पढ़ाई की, हमने गुरु जी पीएचडी किया। ओ पागल होने का डर, तो पूरी संगत बहुत हंसी। फिर हम तो डॉक्टर के बुलाते थे, अच्छे चल जाते तेरा ऑपरेशन हो गया चले। उसी दिन गुरु जी सपने में आए, क्या दिखाया कुछ समझ तो आया नहीं, क्योंकि हाँ गुरु जी वॉज देयर सिटिंग एंड ही वॉज पता नहीं प्रसाद बांट रहे थे या कुछ हमारे सामने एकदम बैठे थे। हम जेत्रा अंकल के साथ, हम जेत्रा अंकल यूज टू बाय सत्संग बड़ी, जेत्रा अंकल आंटी हमारे कॉलोनी बगल में रहते, जेत्रा अंकल आंटी उनका बेटा ड्राइव करता था, जेत्रा अंकल आंटी हम और सुमित एम्पायर स्टेट जाते थे। तो उस दिन गए वक्ता बड़े बोल जी गए हम, और गुरु जी से कहा गुरु जी कल ऐसे लाइक ए फूल ना सब कुछ अंदर बैठी थी वाकई में, गुरु जी आपने कल सपने में क्या दिखाया था। गुरु जी का सो नॉट स्टार्टेड तब दस के डाटा बोली मुझे देखी उसी बैठे थे वहां पे, और अब देखो अरुण शरद पे आते ही थे निगाह में सब बैठे थे, मामले में गुरु जी की डॉटर पैर दबा रही थी, इतनी कस के डांटा उन्होंने कुछ ना चुप करी बस फिर रहता है। फल सो रहे जी सब लीला होती है, उनके डार्क में भी ब्लेसिंग होती है, पक्षियों को तो पता नहीं लगता था, लेकिन ह्यूमन बींग का वो कर लेते थे तो मतलब पूरा वो इंसल्टिंग लगता था, लेकिन बाद में पता लगा कि तो बहुत 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 जबरदस्त ब्लेसिंग होती है। तो फिर सो इंसल्टेड, मैंने ये क्या गुरु जी, मैं घर आई अपने हस्बैंड तो बैंगलोर में थे, घर आई और आई वॉज लिटरली क्राइंग लेके बेबी ने इतने मोटे मोटे आंसू निकल रहे, गुरु जी आप बहुत खराब हो, अंपायर स्टेट में कभी गंदगी में कदम नहीं रखूंगी, इतने खराब हो आप सबके सामने डांट देते हो ये करते हो, आपको जरा भी नहीं बात नहीं करनी आती, ये करनी आती आपको, आपको बेड से लेटर हो, फिर जैसे आपके सामने गुरु जी मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, ये बेटरी में कैसे मेरे आ गए, इनको एड्रेस किसने बताया, घर दरवाजे बंद यहाँ पे कैसे आ गए। तो जैसे आसमान से होते ना ऐसे करके झांक रहे हैं देख रहे हैं रोता हुआ, तो उनकी तो लीला थी ना, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ये तो साइंटिस्ट है फिर से, ये तो सालों साल आती रहे फिर भी उनको मानने वाली तो है नहीं, तो वो सब उनकी लीला रची लीला सब साक्षात मिलता ही चलता है, कैसे इसको अपनी तरफ खींचना है, जिसको भगाना हो तो भगा ही देते, जिसको एकदम से जोड़ना होता है तो उसको ये सब अपनी लीला दिखाते थे। तो जैसे ही जैसे मैं पैर छूने के लिए उठी गुरु जी ने फूल छुपा लिया, तो अंपायर स्टैंड में बैठे ही वो वेयरिंग मरून और हमें जो दर्शन दिए क्रीम छोड़ने लगी, तो ये वो तो मतलब कहीं भी ऑमनी प्रेजेंट है, कहीं भी कैसे भी प्रकट हो जाते उस दिन क्या टेकन अ बैक इन माय गुडनेस, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग इन माय होल लाइफ, देन आई रियलाइज दैट ही इज आई मीन ही हैज सम पावर, ही इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग रेगुलरली, फिर उनकी मजाक भी बहुत करते थे। तो नेक्स्ट डे हम वही गए तो गुरु जी जब आगे लेने तो उनको देख लो हमको देख लो, फिर उन्होंने देखा मतलब टेलीपैथी में चल रही थी, गुरु जी कल तो आप मेरे घर आए थे तो देख रहे हैं वो हमको देख, मतलब मतलब वो स्माइल और लुक इतना अच्छा होता था ना कि मतलब जाने का मन नहीं करता, छोड़ के जाने का दिल नहीं, ऐसा अट्रैक्शन था उन्हें, वो हमको देख रहे हैं हम ऊपर देख रहे हैं, फिर वो ऊपर देख रहे, फिर मैं यही सीख रही, फिर खूब हंस के हंसे हुए हंस के हंसे ऐसे हंस रहे फिर चल जाए, मतलब समझ तो रहे कि मतलब कंफ्यूज है, फिर तुम लोग कंफ्यूज बहुत कंफ्यूज है, क्लैरिटी तो मन में नहीं होती है, कंफ्यूज किया था अपना दिमाग और ईगो तो अपने घर में चक्कर के साथ। देन फ्रॉम दैट डे तो देयर इज नो लुकिंग बैक, आई स्टार्टेड डूइंग रेगुलरली,
थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सारे टाइम जाते थे, और मुझे से कई बातें भी होती थी, कभी डांट भी पड़ जाती थी, कभी नहीं भी पड़ती थी, कभी कभी जवाब दे भी देते थे। तो एक बार ऐसे ही, उसके बाद इंस्टॉल अपीयर्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स माय ड्रीम। अभी आई रियली रिग्रेट कि एकदम डेट वाइज उनका सपना हम लिखते जाते हैं। आई एम गोइंग टू कंपाइल ए बुक के पॉइंट्स टाइटल को सोच लिया हमने, दिव्य साक्षात्कार, उस टाइटल का हम लिखेंगे कि जो कितना है 100। आई यूज्ड टू काउंट कितने बार हम ड्रीम में आए, एन नंबर ऑफ टाइम। पहले तो 100 100 हो ही गया, उसके बाद तो स्टॉप स्टॉप काउंटिंग। तो गुरु जी एक बार एडवाइसर, बहुत ही कैची एक वो भजन चल रहा था, वो सब कुछ जानते थे, एवरीथिंग, मतलब कुछ भी उनसे छुपा नहीं, मतलब आप कुछ भी गलत कर रहे हैं सही के दो आंखें आपको हमेशा देख रही है, ऑलवेज बी कॉन्शियस कि समबडी इज वॉचिंग यू आर नॉट। ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि अरे कौन देख रहा है, हम ये कर लेते हैं, कुछ गलत पॉइंट्स कर लेते हैं, पॉइंट्स कुछ उठा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। इट्स नॉट दैट। उनके घर में आपने क्या खाना बनाया, आपने क्या नहीं बनाया, हस्बैंड को कैसे सर्व किया, बच्चे को किस तरह लुक आफ्टर करना, एवरीथिंग। एक आंटी वहां पे आई तो बैठ गई गुरु जी के संगत में, गुरु जी बहुत डरा, फिर ज्यादा हस्बैंड से लड़के आई इतने इतने मत बैठे, पहले अपना घर संभाल फिर यहाँ पे आना, लड़के हस्बैंड से आई तो यहाँ पे बैठने की जरूरत। मुझे हमेशा कहते हैं हस्बैंड भाई बिल्कुल एज ए फ्रेंडली एज ए दोस्त रहते हैं ना, सबसे बड़ा घर आपका मंदिर, मत आपका घर मंदिर है, कोई घर का एटमोसफेयर सब अच्छा है तो आपका सबसे बड़ा आपका घर ही मंदिर है, कोई मन मंदिर पिता मंदिर, उसके बाद जाके बड़ा मंदिर होता है। तो मस्त 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 टेक केयर ऑफ ऑल ऑल योर हेल्थ। सबसे बड़ा रिलेशनशिप हेल्थ पे बहुत ध्यान देते थे। देन वेल्थ के पैसा भी चाहिए तो आपको करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, उसमें करप्शन हो जाता है थोड़ा, इतना है कि आपका ठीक ठाक चल जाए। और एक बार ऐसा एक हमेशा यूएस जाते हैं तो गुरु जी को हम हमेशा अपने बॉस में करके लेके जाते हैं हमेशा इनवेरेबली। अभी तो कोविड के बाद हम गए थे यूएस में, तो भी हमारी बगल की सीट हमेशा खाली मिलती है, और वापसी में जब हम आए तो हमें फ्रंट की सीट हमेशा खाली मिलती है। उनका होने का प्रेजेंस हमें पता लग जाता है कि हमेशा गुरु जी को अपने साथ लेके चलते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि हम गुरु जी हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो एक बार ऐसे ही गुरु जी का हम आगे ले रहे थे, तो ऐसे ब्लैक सॉक्स पहनते थे, तो हमने ऐसे ही गुरु जी के पैर चरण छू, तो गुरु जी के उसमें टो में ब्लू लाइट, बहुत शौक नहीं, ये गुरु जी पैर में जुगनू वहां से आ गए, मैं गुरु जी को देखूं फिर पैर देखूं गुरु जी को देखूं, ओ देन आई रियलाइज ये तो लाइट है गुरु जी। हमने सुना था वहां पुरुषों के पैरों से लाइट निकलती है, तो बहुत रेयर फिनोमेना होता है कि गुरु जी, बहुत ही कम लोगों को अपनी ब्लू लाइट दिखाई है, रघुवीर अंकल को शायद दिखाई है, फिर हमने बिल्कुल धन्य हो गई, हमने गुरु जी में प्रेयर करके इतना ऑरा है इतना वो है, मैंने पैर पकड़ा फिर जल्दी से पूरी तरह चल चल बंद हो, मतलब लाइट लेके आना ब्लूटूथ ऑन हो गई बंद हो गई, चल चल बार बार तो समझ समझ गए कि तुम चल रहे बस वही थी। तो बहुत सारे सवाल रहते थे लेकिन पूछ नहीं पाते थे गुरु जी से। तो वो एक बार ऐसे बहुत कैची पास में बहुत ही कैची शब्द चल रहा था, तो हमने मन में सोचा उनसे बात तो करने के लिए, गुरु जी इसमें तो बहुत अच्छा डांस हो सकता है, मतलब बहुत ही कैची था। तो पॉइंट्स नेक्स्ट डे या उसके 3 4 दिन बाद बड़े बड़े मंदिर हम लोग बड़े मंदिर जाते थे, बड़ा फंक्शन था, सुबह सुबह चले जाते थे, 6 बजे चले जाते थे आराम से, वहाँ पूरी सेवा करते थे, शिव मूर्ति है उसको ब्रासो करते थे, सब अच्छे से चमकाते थे करते, नहीं कुछ हमको चाय प्रसाद, ऊपर शैंडलियर होता था, एक एक शैंडलियर निकाल के उसको सोप में डिप करके क्लीन करके कपड़े से लगाते थे, जब तक गुरु जी का शाम का आना ना हम लोग पूरा मंदिर से दाव देते थे। सबसे ज्यादा मैं तो शिव मूर्ति की सेवा मिली जिसमें रगड़ रगड़ के गुरु जी का ब्रास करते थे, शैंडलियर ऊपर शिवलिंग होता था
फ्लैग लगता था वो भी चेंज होता था, तो उसको ब्लेस करते थे शिवलिंग पे, हम लोग अंदर से चढ़ के जाते थे लगाते थे। ये सब बहुत दिलजी ने इतना मतलब कुछ सेवा करा के, पता नहीं कौन से कर्म काटते हैं क्या किया, वो ही जानते हैं, वो मेरे को इतना ऊपर की दुनिया का थोड़ा थोड़ा पता है, गुरु जी को इतना तो पता है। और पूरी संगत गुरु जी जैसा, और फिर वहां पे किचन पे हमें एक रूम होता था, वहां हम लोग अपने कपड़े बैग में लेके जाते, तो वहाँ शाम के टाइम बढ़िया खाना पीना खा के चाय वाय पी के अपने तैयार होके गुरु जी के खाने के, और गुरु जब रास्ता होता था जिसको गुरु जी की गाड़ी आती, इसको भी पूरा फूल से डेकोरेट करते थे, गुरु जी बातें तो हम लोग फूल छिड़कते थे, फूल प्रसाद करते थे, तो वहीं से आके तो बैठ जाते हम लोग स्मृत, तो गुरु जी उसके पास ही बैठ जाते थे। तो पूरी संगत बैठ गई, शब्द चल रहा है, तो पूरी संगत में अकेले गुरु जी ने हमको इशारा, चलो डांस कर, मतलब तो उनको ये था कि बैस रहते उसके मन में आए इस शक्कर पे डांस करना, वही शक्कर शायद बजा या दूसरा कोई बजा, तो सबके सामने हमको इशारा किया कि चलो डांस कर। तो मेरी हालत है, मैंने इतने इतने लोग बैठने में कैसे करें डांस, बिल्कुल पे डांस वांस तो होता नहीं है ऐसा कोई, सबके सामने जितने लोग स्टिल बैठे हो मैं डांस करें तो बेवकूफी लगती है। तो हमने गुरु जी का आदेश था, हमने शुरू किया डांस, तो 2-3 दिन जो आंटी है कुछ उन्होंने भी शुरू किया, ज्वाइन करने की कोशिश करी, वो जो आंटी थी तो आंटी थी, लेकिन मुझे सबको बैठा दिया, नहीं तो अकेले कर दी, मैं अकेले हुआ 5 मिनट जो जैसा देख लिया, तो आंटी कहती नहीं आपने अच्छा किया डांस के लिए, जब बत खत्म हुआ तब तक डांस करते ना फिर आपको। तो गुरु जी मेरे कहने का मतलब ये कि आपके मन में कुछ भी है तो गुरु जी उसको इंस्टेंटली, मतलब छोटी छोटी ये सब बेवकूफी बातें तो इंस्टेंटली पूरी पूरी करते हैं, हाँ मेजर बातें तो टेक्स्ट है। गुरु जी हमेशा कहते हैं अरदास से टेक को बार करते हैं, ये नहीं बार बार रोज ही वही अरदास करते जा रहे, टेक को बार में सुनता हूँ क्या अरदास है, करिए तो छोड़ दिए टाइम, तो टाइम आएगा उसके बाद ही आप टाइम, मतलब अरदास आपकी टाइम टाइमिंग उनकी होती है, किस टाइम पे क्या देना उनको सब पता है। तो कहावत है ना कि आपकी मर्जी का हो तो अच्छा, नहीं मर्जी हो तो और भी अच्छा है, वो तो भगवान की मर्जी का बेस्ट रहेंगे गुरु जी। तो कई बार आए सपने में आप आते थे, कुछ ना कुछ बोल के चले जाते थे, एक हम अपना ही मतलब गुरु जी से एक बार हमने कहा कि गुरु जी कहते हैं आप इतने बड़े फंक्शन के ऊपर आते हो, और आपके हम 22 दिन फिर एडिशनल एक वहाँ पे बड़े मंदिर में बड़ा फंक्शन होता है, छोटा फंक्शन यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो गुरु जी कहते हैं तुम लोग कॉर्पोरेट पे काम करते हैं तो तुमको दिवाली और दशहरे पे बोनस नहीं मिलता, बड़े मंदिर फंक्शन ऑर्गेनाइज है तो थोड़ा सा अटेंडेंस होता है, इसलिए कि बोनस यू गेटिंग एक्स्ट्रा पैसे, बाकी तो बहुत ही अच्छा था, मंदिर का फंक्शन तो कभी मिस करते ही नहीं थे, और जो भी फंक्शन होते जाते थे, मतलब गुरु जी लास्ट खैर बहुत दुखद रहे, वो मोटाई हो शर्ट अगर अभी गया टाइम गया ही है, तो बहुत दुखद टाइम था दिन था, उससे रिलेटेड एक सत्संग सुनाता था, व्हेन आई वाज आई यूज्ड टू गो 5 o'clock 5:30 to एम्पायर स्टेट, तो वहां पे गुरु जी के उसमें जस्ट गुरु के सामने बैठा रहते थे, तो आई बिलोंग टू लखनऊ, तो उनका हम शोल्डर साइज हमेशा मन में लेते थे, इतना शोल्डर साइज हुआ था, मैंने तो व्हाइट कपड़े में मुझे बहुत ही सुंदर लगते थे, तो मैं लखनऊ जाऊँ एक्सक्लूसिव इनके लिए डिजाइनर कुर्ता और पजामे रखे होंगे, ऐसे मन में सोच रहे थे, सब पता तो रहता ही है, शोल्डर साइज लेके अपना मन में अपना लखनऊ जाने का भी टाइम मिला ही नहीं, 30 लास्ट जब गुरु जी दर्शन में थर्सडे शायद उस टाइम था, जब बैठे बैठे हम गुरु जी पर उस दिन, मतलब अब हमें क्या पता गुरु जी आज के बाद नहीं रहे, वैसे नॉर्मल इसमें अपना क्या लंगर किया, और लंगर करके तो गुरु जी आ लंगर कर, हम लोग लंगर करके गए तो गुरु जी कमरे में गए अपने चोला चेंज, और जैसे चोला चेंज करने गए आए और लंगर करके जैसे हम लोग बाहर से करके अंदर आए, तो
गुरु जी ने आदेश दिया, देखा गुरु जी व्हाइट चिकन का कुर्ता पहन के बैठे हैं, ऐसे कर मैं शॉर्ट ढूंढना था गुरु जी। फिर मतलब उनका था ना कि तुम लखनऊ जाएगी लेकर आएगी, सब पहले मैं तेरे को पहन के दिखा देता हूँ। कहते कोई चीज इतना प्यार करते थे, इतना प्यार तो कोई फैमिली मेंबर भी नहीं करता था इतना गुरु जी ने, इतना प्यार इतना केयर लव केयर दिया था। हम तो कर टोटली सूड इन दिस लव एंड केयर। तो उस दिन का है, और गुरु जी ने ऐसा लुक दिया कि आज भी याद करते तो रोना भी आता हमको, तो उस लुक को हम पहचान क्यों नहीं पाए। वैसा लुक दिया कि तेरी क्या यही इच्छा थी तुम चिक्के को कुत्ते में मेरे देखा देखा थे, चल जाओ ऐसा लुक, बट अजीब सा देखा होते ना आंख के कोने से देखते हैं उस टाइप देखा। गुरु जी ऐसा क्यों देख रहा है? पर उसके नेक्स्ट डे तो खबर ही आ गई कि गुरु जी बीमार है, इंसुलेट में सुबह को नहीं रहे थे गुरु जी। फिर गुरु जी पूरा मंदिर उस टाइम पर रनवे हो रहा था, पूरा खंडहर था, उसमें स्केफोल्डिंग वगैरह लगी थी, इलेक्ट्रिकल काम हो रहा था। गुरु जी बाथरूम तो बन गया था, तो उसके ग्लास वगैरह का वॉलपेपर लग के बहुत सुंदर बाथरूम बन गया। गुरु जी यूज तो नहीं करता है इसको, स्केफोल्डिंग वगैरह लगी थी, ऊपर वायरिंग थी सब, लेकिन तो मुझे पूरा लाया गया रखा गया जल्दी जल्दी स्केफोल्डिंग हटाई। सबसे ज्यादा हम लोग रात भर बैठ के गुरु जी का मन जाप करते रहे, उनमें शक्ति गुरु जी क्या पता लीला क्या पता उससे आगे उठे सुबह तक नहीं उठे। संस्कार सिलानी किया गया, मौत परिक्रमा करी तो पूरा जब लकड़ी जली तो गुरु जी का सुकून बना गुरु पैर के तरफ हवा थी। फिर कहीं गए ही नहीं, अभी तो सर वे अपे हैं, पहले तो रिस्ट्रिक्टेड थे बॉडी में, अब तो एक एक संगत का ख्याल पूरी दुनिया में जितने कोई जगह। गुरु जी हमेशा कहते थे पहले दर्शन डॉक्टर नहीं लाइना लगेगी, मैं बहुत घंटा लाइने लगेगी पर दर्शन उठाएंगे ना बड़े हैं गुरु जी, पता नहीं कौन से भगवान के लाइना लगेंगी। हम तो एज ए ह्यूमन तो हमें लगा था गुरु जी ब्रैक कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल तो लगता ही नहीं ब्रैक कर रहे थे। अब तो वही तो है बड़े मंदिर में क्या लाइना क्या लाइना, सब घंटा दो दो घंटा उसमें जाके गुरु जी के मेन दर्शन कर पाते। गुरु जी के जाने के बाद उतने सारे हम ही क्या सारी पूरी संगत कितने रोते रहते थे, मैं बहुत बुरी तरह रोते रोते रहते रोते रहते। एक बार गुरु जी सपने में आया कि नानी बैठ गोए ना, मैं कहते भी नहीं गए इतना ही अपनी संगत से छोड़कर मैं कहाँ गई, मैं तो इतना ही। तो उसके 2007 से हम गुरु जी की समाधि बनी भी नहीं करते, गुरु जी की समाधि की सेवा कर हर संडे बजा के गुरु जी का पहले बनी नहीं, सीमेंट चबूतरा था उसमें कपड़े चढ़ाना कोई किसी के फंक्शन में अच्छे से लगा के उसके लगाना पॉइंट्स ओके करना अच्छी जैसे भी था, पूरी समाधि के नहीं था, हम लोग फूल लगा के सजाते थे। तो 2007 से कर 2000 कोविड में सेवा बंद हो गई थी, तब तक हमने किया संडे आप तो कंटिन्यूस में जाता था रहते हैं, बीच में कभी कभी चले जाते। एक बार ऐसे गुरुजी एम्पायर से डांटते तो बहुत थे ना, तो मतलब शुरू में नॉट बाद में पता ही लग गया भगवान है। शुरू में एक बार ऐसे गुरुजी ने किसी को डांटा था, हमको तो नहीं डांटा था, फिर डांटा तो फिर मैं ऐसे गुस्सा आया, मैं गुरु जी आज तो माफ का लंगर नहीं करेंगे, सबको डांटते रहते हर समय, कोई लंगर में आपका नहीं करना, मैं जा रही हूँ कोई लंगर नहीं करूंगी आपका। और वाकई मैं बिना लंगर किए घर आ गई वापस। भाई सो मतलब हम लोग को क्या, हम लोग तो कुछ भी नहीं, किसी के हम लोग इतने केयर भी नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी किसी के घर में इतना घन हमने उसका किया उसने हमारे मौके पे नहीं किया, ये सब एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है। गुरु जी का तो मतलब अनकंडीशनल है, तो इतनी 300-400 की संगत में उनको पता था कि हमने लंगर नहीं किया है, गुस्से में मांगे थे हमने, हमको लंगर वो नहीं करना, बहुत डांटा डांटना का जिस दिन डांटना कम कर दोगे डांटना डांटोगे उस दिन हम कभी, तो मैं घर आ गई बात अपनी सब अपने आराम से अपना गुस्सा दिखा के बड़े तड़ी मैंने रहता बड़े अपने कोई एटीट्यूड में जो मैंने करते लाइक गुरु जी तो भगवान है, उनको क्या एटीट्यूड है, उनको क्या घमंड, ब्रह्मांड के मालिक उनको क्या घमंड, हमारे जैसे को घमंड होता है उनको क्या।
चाव मुझे सुबह से सपने में आए गुरु जी, कहते तो लंगर बहुत जल्दी जल्दी खाती है, थोड़ा तो धीरे धीरे खाया था। तो उसने शायद कढ़ी बनी थी सामने, इतनी प्लेट रख के उन्होंने लंगर कराया, मतलब तो धीरे धीरे लंगर कराया। और एक मौली के माला हमारे उसमें थी हाथ में, तो मैंने गुरु जी की माला मौली पहनाई। तो गुरु जी सदा गुरु जी आप रिश्ता पकड़ रहा हूँ, रिश्ता पकड़। आई वॉज सो टच्ड, आई वॉज सो टच्ड, आई वॉज क्राइंग लाइक कि देखो हमारा कितना ख्याल गुरु जी रखते हैं। घर में भी किनारा होता है तो एक दो बार हस्बैंड ने बच्चे पूछे, मैं पूछेंगे भी नहीं, तो खाया नहीं खाया रहता। उनको इतनी संगत नहीं पता था, इसने मेरा लंगर नहीं खाया, उससे मैं गई, उसने मेरे लंगर जाके खिलाया। उसके बाद से हम हमेशा मौली की पाला और गुरु जी फोटो पे लगा कर रखते हैं, और खुद भी हमें हमेशा मौली की पाला पहन के उसने गुरु जी लगा कर रखते हैं। ये हमारे मौली का बहुत ज्यादा सत्संग है कि उसको कभी अपने गुरु जी को फिर अपने रिश्ते कभी अलग नहीं करते हैं, कि मौली के साथ हमेशा मांगते रहते हैं। तो भगवान है उनका नाम, एक बार ऐसी उसकी समाधि की सेवा कर रहे थे, जब तक तो समाधि पूरी बनी नहीं थी। तो गुरु जी एक बार सपने में आके कहते हैं, नानी कहे समाधि जल्दी बना दो, मुझे ठंड जय गुरु जी, वो बिना आंटी, पड़ती ठंड लगती है मुझे। जय गुरु जी, बिना आंटी, हाँ जय गुरु जी, बिना आंटी, हाँ बोलिए। बिना आंटी, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज। हाँ तो कहा पॉइंट्स कि एक समाधि पे कहा कि और सपने में कहा कि नानू कह कि समाधि जल्दी बनाए, हमें ओस विंटर में बहुत ठंड लगती है, ओस आती है, तो मुझे शेषनाग को ना ऊपर रखना करना पड़ता है। तो हमें गुरु जी आप हमको क्यों सपना दे रहे हैं? नेक्स्ट डे हमने जोशी अंकल को बताया, इसको गौरव को भी बताया, अंकल को भी बताया, गुरु जी ऐसे से कह रहे थे, तो कह रहे प्रोसेस में है, ब्लू प्रिंट बन गया है, बन जाएगा करके। तो हमने तो फिर गुरु जी कहा मैं फोटो, कहते गुरु जी हम हमेशा कहते हमसे फोटो में बात करो, मैं सुनता हूँ। फोटो में कहता हूँ गुरु जी हम हमको क्या, हम क्या अथॉरिटी तोड़ ले, हमको जो सपने बने, जो अथॉरिटी है जो बना सकते हैं उनको जो सपना, हम कन्वे भी करेंगे तो वो माने या ना माने। तो फिर बना बाद में, का कई एक साल बाद अच्छे बने समाधि, एक बार पूरी प्रॉपर समाधि बन गई। तो उसमें भी अंदर जाकर तो सेवा कर रहे थे, तो चादर हमने पहले नहीं चादर के ऊपर निकाल कर करते थे, तो मलमल के कपड़ा में गीला करके बकेट में पहले पूरे समाधि गीले से पोंछते थे, फिर सूखी हुआ पोंछते थे, फिर पूरा कारपेट पेंट करके वैक्यूम क्लीनर बाहर झाड़ के चादर तरफ सफाई करके, जो मक्खन जो होते हैं उसको ब्लैक उसको क्लीन करके, जो बॉर्सेट करके पूरा अच्छे से क्लीन करके, और लास्ट में कपड़ा जो बिछा होता है उसको बिछा। एक बार ऐसे कपड़ा बिछा रहे थे, हाफ बिछाया था, सडनली सम टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसा तो व्हाइट लाइट, व्हाइट एनर्जी, कोई मतलब ऐसा लगा कि कुछ हार्डर लाइट बिछाने में, तो देखा व्हाइट एनर्जी पूरी गुरु जी थे, मतलब पूरा फॉर्म तो नहीं दिखा लेकिन व्हाइट व्हाइट लाइट टाइप एनर्जी दिखी। और थोड़ी देर में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड देखी हम लोग को, चले चले गए। फिर हम लोग ने पूरा पूछा, तो गुरु जी समाधि पे गद्दी पे पूरे मंदिर में हमेशा रहते, कभी भी ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे वो हमेशा के जहाँ जहाँ सत्संग होता वहाँ रहते हमेशा। तो गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, आपको हर होने का हर जगह हर समय आपको प्रेजेंस दिखाते हैं, होने की और रहने की वहाँ पे मौजूद होने के हर समय उनके प्रेजेंस रहती है। एक बार ऐसे गुरु जी का ना तो एम्पायर स्टेट में लंगर वगैरह चल रहा था, तो गुरु जी के आगे में गुरु जी क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब ये सत्संग है तो लंगर कर रहे हैं, वहां पर छोटा पॉइंट्स सा पॉइंट्स वॉशरूम होता था ना, तो अब एक दो घंटे बैठना तो फील लाइक वही ना, तो फिर वहां पे वॉशरूम करके आए थे गुरु जी को, वहां पर तो बैठे थे, तभी गुरु जी ने अनाउंस करवाया ट्यूशन पर से कि एनएम संगत ने बोलते हैं तो यहाँ पे कोई यूज नहीं करेगा, सब घर से करके आएंगे। तो मुझे तो इतनी शर्म आया, कहीं बगल में तंजमीन फटे में मैं इसमें चली जाऊँ तो, लेकिन
ऐसा लगा कि हमारे लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया, लेकिन जल ने अनाउंसमेंट था जोशी करने के। उस दिन के बाद से हम है ना हमारे एस टू ड्राइव कार टू एम्पायर स्टोर। जब भी कभी मैं तो आई फील लाइक तो आई एस टू टेक द कार गो टू द पेट्रोल पंप एंड वहां का वॉशरूम यूज करके। इतना क्लीन नहीं होता था तो करके हाफ कर दो के मैं ड्राइव करके फिर आकर एम्पायर स्टोर बैठ जाता था। ये टूवर्ड्स द मुझे 2007 में जाने से पहले बहुत मैंने पहले अनाउंस किया था तो आके बैठ जाते। लेकिन गुरु जी के आगे ना रहो तो गुरु जी क्या नहीं कर सकते, तो बस आके बन गया। ये सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा। एक बार ऐसे 3 4 महीने बाद हम आए तो देखा कि पहाड़ जो जो रोड है वहां पे कार्पेट लगी हुई है। तो हमने बोला कि ये शिमला है ना अकेले कार्पेट है, तो गुरु जी ने वहां पे सब अंकलों के लिए बनाते हैं। दूसरे साइड में बहुत बड़ी जगह है वहां पे 10 वॉशरूम्स बनाते हैं कि यहाँ पे। तो गुरु जी के आगे ना तो गुरु जी पता हमने हमने क्या हमारी थी हमें ना उनके आगे बहुत सबने मानी होगी तो सबके इनकन्वीनियंस हो रही है लोग इधर उधर जाके कर रहे हैं। तो उसके लिए मतलब संगत को तो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं गुरु जी हर छोटी छोटी चीजों पर। हम लोग इतने रिसेप्टिव नहीं जितना गुरु जी जिस हिसाब से देते हैं उस हिसाब से हम लोगों को लेना भी नहीं आता। गिफ्ट्स एंड बर्ड्स में कभी रहे गुरु जी काम नहीं किया तो क्या हो गया उसको तो ये दे दिया मुझे ये नहीं दिया इन सब में पड़ जाते हैं। तो लाइक इस लाइक गुरु जी ब्लेसिंग लाइक स्पीड ब्रेकर थोड़ा कम हो जाती है। तो हमेशा कंप्लीट सरेंडर तो सरेंडर इज वेरी हैवी वर्ड हम लोग नहीं कर सकते इतना सरेंडर। नहीं तो बनाते हैं फिर इतना कन्वीनियंट हो गया फिर हमें कहा क्रॉस करो अपना कहा करना। अच्छा तो गुरु जी के आज्ञा में हमेशा आप लोगों को रहना है चाहे अच्छा टाइम है चाहे बुरा टाइम है। विश्वास कभी भी डोलना नहीं है कि कभी जो करेंगे वो आपके मर्जी से नहीं अपनी मर्जी से करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो हमेशा गुरु जी का एक बार गुरु जी का हमेशा मन में रहता था हम वैष्णो माता नहीं जा पाए और फिर वही के भी है वहाँ पे सब कुछ करें। वैष्णो माता का जाने का हमारा बहुत मन रहता था कि तो बैठ कर कहा था कि मैं मशरूम माता मिल सकता है कहते हैं उठे जाने के लिए इतने दिखा देता। गुरु जी जो 2007 में 14 छोड़ दिया उसके 1 महीने बाद या कुछ महीने बाद गुरु जी ने सपने में दर्शन दिया कि हम वैष्णो माता जा रहे हैं। पूरा हमने कान उस पे सर तो मांगने भी चुनी और पूरा जय माता करके जा रहे हैं। और गुरु जी ने 3 पिंडियों के दर्शन कराए जो उन्होंने कहा था ऐसे दर्शन करा देता तो शायद 2007 को चले गए तो मैं उनको याद थी ये बात और सपने में दर्शन कराया। सो ब्लेस्ड सो मैंने बिल्कुल बहुत